अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ जो शेयर किया था कि हम मेरठ पहुँच गए थे मैरिज अटेंड करने, तो उसके आगे से मैंने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। व्लॉग आगे से मैंने यहाँ पे बनाया है और ये देखें, हम स्टेयर्स से जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पर और वहाँ पर लेडीज़ के बैठने का अरेंजमेंट था काफ़ी अच्छा, तो वहाँ पर हम बैठे थे, ब्राइड भी वहीं पर थी। तो अभी हम फिलहाल ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। मेरी सिस्टर भी मुझे मिल गई थी यहाँ पर हम सबको, और मेरी सिस्टर की बेटियाँ भी और जीजू वगैरह सब हमें यहाँ पर मिल गए थे और बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया था। ऐसे ही मैरिज फंक्शंस में काफ़ी सारे रिलेटिव्स मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने। और यहाँ पर आने के बाद कुछ देर हमने सबसे मिले थे और उसके बाद में हम बैठे ही थे कि जो मेरी छोटी वाली सिस्टर हैं उनकी जो सैंडल हैं वो टूट गई थी यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा एक फनी वाला मोमेंट हो गया था। तो हम उसके साथ गए थे मार्केट उसको सैंडल वगैरह दिलवाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो नहीं चल पा रही थी, तो हम गए थे मार्केट और बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग गया था वहाँ जाने पर। और यहाँ पर मार्केट मैरिज हॉल से थोड़ी दूरी पर थी और इसीलिए हम अपनी सिस्टर के साथ बैठे हुए थे उसी के पास। और जब हम मार्केट आए तो काफ़ी सारी शॉप जो हैं वो क्लोज हो चुकी थी और मैरिज हॉल से काफ़ी दूर यहाँ पे मार्केट थी, तो हम यहीं पर आए थे और बीच में ही हम आ गए थे। हमने खाना वगैरह नहीं अभी खाया था, तो ये हम सैंडल वगैरह यहाँ पर देख रहे थे और ये देखें, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चमक दमक की थी। बट हमने स्टोन्स वाली नहीं ली थी, ऐसे सिंपल स्पार्कल वाली ली थी ब्राउन कलर में सैंडल, और ये मेरी सिस्टर को फिट आ रही थी और ये मुझे भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो ये वाली ही सैंडल हमने सेलेक्ट की थी, तो ये वाली सैंडल हमने ले ली थी। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बट इसमें हील थोड़ी ज़्यादा थी। सैंडल वगैरह परचेज करने के बाद हम वापस आ गए थे मैरिज हॉल और जैसे कि हमने खाना भी नहीं खाया तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और आने के बाद हमने खाना खाया था और यहाँ पर फिर बहुत सारे हमने फ़ोटो भी क्लिक किए थे। और यहाँ पर ये अम्मी बैठी हैं मेरी मम्मी जान के साथ, और उसके बाद में देखिए मेरा बेटा यहाँ पर भी फ़ोन नहीं छोड़ रहा है, और ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मेरे कज़िन ब्रदर हैं ये दोनों, तो उनके साथ जा रहे थे। ये फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादातर लेडीज़ ही बैठी हुई थी, तो नीचे जा रहे थे, वो नीचे के पोर्शन में खाना वगैरह भी वहीं पर था, तो वो नीचे के लिए गए थे। अभी बेसमेंट में खाने का सिस्टम जो था इन्होंने रखा हुआ था। और ये मेरी सिस्टर की बेटियां हैं दोनों, और काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और ये इसका फेस साफ़ कर रही थी, उसने मेकअप किया हुआ था लाइट लाइट सा, और तो उसका मेकअप रिमूव कर रही थी, और ये देखें, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं दोनों। और मेरा बेटा वो अलग थलग खेलता रहता है, बहुत कम है वो गर्ल्स के साथ खेलता है इन दोनों के साथ। और ये हम सारी बहनें खड़ी हैं, कज़न ब्रदर खड़े हैं हमारे, तो वो दोनों फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। और ये मेरी सिस्टर हैं जो इतनी शाइन कर रही हैं, इनकी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, और वहीं पर सामने और जस्ट सामने वहाँ पर हम दूल्हा देखने के लिए आए हुए थे, वहाँ पर स्टेज पर दूल्हा था। ये हम ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं अब, और अब हम बाहर आ गए हैं मैरिज हॉल के बाहर। और यहाँ पर एक साइड पर ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी डोली रखी हुई थी, लाइटिंग वगैरह इसमें प्रॉपर लगी हुई थी, और ये एक और ये यहाँ पर पता नहीं कौन थे, ये गेस्ट वगैरह नहीं थे और ये बाहर से ही आए थे, और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डांस किया था, कम से कम इन्होंने 1-1.5 घंटा इन्होंने डांस किया है जम के, और सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इनके डांस को, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी तो बाहर आ गए थे सभी लोग, तो यहाँ से इनकी वीडियोज़ वगैरह हम यहाँ पर बना रहे थे और सभी यहाँ पर बैठे हुए थे, और सब इतना प्यारा डांस करने के लिए इनको सब पैसे वगैरह भी दे रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था सभी को इनका डांस देखकर।
और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ़नी डांस किया और सभी इनकी वीडियोस वगैरह बना रहे थे। और वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो अलग सीन था इनका। और बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी इनका डांस देखकर, और सब एंजॉय कर रहे थे जितने भी लोग बाहर थे मैरिज हॉल के। उसके बाद हम बाहर आ गए थे, मेरी अम्मी जान थी और ये मेरी सिस्टर थी दोनों, और एक सिस्टर मेरी अंदर थी और वो भी आई थी मिलने के लिए, और हम यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। उसके बाद में हम 2 o'clock आ गए थे नाइट में वापस घर के लिए, और ये देखें 10 बज रहे थे सुबह के, और मेरा बेटा और ये क्यूट सी एली, ये दोनों सो रहे थे ये देखें, और ये दोनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और मैं इन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए उठा रही थी और नाश्ता करना था सभी को, तो इसलिए बट ये दोनों नहीं उठे तो हम सभी ने ही नाश्ता कर दिया था। फिर ये देखें, इन्हें बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी दोनों को। छोटे बच्चे की तरह सो रही थी मेरे बेटे के पास, और ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा, ये देखें। और अगर आज का आपको ये मेरा छोटा सा वेडिंग व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। Wow, do 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 do